हेलो नमस्कार संस्कार क्लासेज के शेर से नियो। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट शानदार जानकारी लेकर आ गए। एक तो आपका पीटीईटी रिजल्ट कब आने वाला है, कितने नंबरों पर आपको कॉलेज मिल सकती है और आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये सब कुछ आपको डिटेल पूर्वक बताया जाएगा। तो इसलिए वीडियो पर ध्यान पूर्वक से आप बने रहिएगा और आप लोगों को कमेंट करके ये भी आपके कितने कितने नंबर आए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो BSTC 2022-23 की, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक मौका है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए रह जाते हैं, तो इसे ज्वाइन कर लेना। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, तो इसको ज्वाइन कर लेना, 9681-97-98। इस पर आपको क्या है कि सारी चीज दे दी जाती है, तो इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देख लेना। देखिए, अपडेट को देख लेते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट है राजस्थान पीटीईटी एग्जाम 2023 का रिजल्ट। ये रिजल्ट से जो संबंधित जानकारी है ना, वो आपकी देखिए जुलाई महीने में याद कर लेना, आपकी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जाएगा। मतलब जुलाई के महीने में, जून के महीने में भी नहीं, जुलाई के महीने में बताया गया यहाँ पर कि जुलाई के महीने में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आपके लिए कट ऑफ से संबंधित अगर जो जानकारी है, वो कट ऑफ से संबंधित भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले देख लेना है, अगर आपको कैटेगरीज वाइज रखनी है, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले अगर जर्नल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब की बार ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने ये नहीं कहा है कि मेरे 4 से प्लस नंबर आ रहे हैं, ठीक है, किसी ने भी नहीं कहा है, क्योंकि पेपर आपके थोड़ा हार्ड था, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि देख लो चाहे रीजनिंग देख लो, सब में ही ज्यादा ही परेशान कर दिया था बच्चों को, इसलिए 4 से प्लस बच्चे तो नंबर है ही नहीं, ये मान के चलते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आपके जो कट ऑफ बनाई है उसी आधार पर बनाई है जहां की आपका सलेक्शन हो सके। देखिए, सबसे पहले अगर जनरल के बारे में बात करते हैं, तो 320 से और 340 के मध्य जरूर रहेगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना, सेफ जोन में। और फीमेल के बारे में बात करें तो देखिए 305 से 315 के मध्य इसके नंबर नंबर आ रहे हैं आप लोगों के फीमेल के में, तो वो ये मानिए कि सेफ जोन के अंदर है। ओबीसी के बारे में बात करें तो देखिए 310 से 320 ओबीसी की रहने वाली है, ये आपकी मेल की है, ठीक है, और फीमेल की देखिए 300 से और 310 के मध्य में रहने वाली है, ठीक है। अगर एससी की बात कर लेते हैं तो 280 से 290 ये आपकी मेल हो गई, और 270 से 280 ये आपकी फीमेल हो गई, ठीक है। एसटी के बारे में तो अगर 275 नंबर किसी के आ रहे हैं प्लस, यकीन मानिए उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है, 275 से 285 के मध्य में, ठीक है। और अगर फीमेल के बारे में 265 और 275 के मध्य आ रहे हैं ना, यकीन मानिए आपको कॉलेज मिल जाएगा। कहाँ कहाँ मिलने वाला है कॉलेज, आपकी पास में मिलेगा, दूर में मिलेगा, ये भी आपको बताएंगे। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं तो देखिए ईडब्ल्यूएस के 295 और 300 के मध्य, 305 और 285 से 295 के मध्य, ठीक है। एमबीसी के बारे में बात कर ली जाए तो देखिए 300 से और 310, 290 से और 300 के मध्य, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन ये रहने वाले, क्योंकि अब की बार ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा बोल रहा है सर मेरे 250 नंबर आ रहे हैं, कोई बच्चा बोल रहा है सर मेरे 350 350 नंबर, बहुत ही ज्यादा बोल रहे हैं कि 350 नंबर आ रहे हैं, नहीं तो 300 के मध्य लगे ढगे बच्चों को गिरा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इसी प्रकार आपको क्या करना है, ये आपके इससे संबंधित आ रहे हैं ना, आपके पास की कॉलेज कौन सी रहने वाली है, दूर की कॉलेज कौन सी रहने वाली है, ठीक है। जुलाई में आप तैयार होना है, क्योंकि जून के अंदर भी वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जुलाई में आपको जरूर अपने रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे दोबारा कहना चाहूंगा, अगर आप BSTC 2023 की तैयारी कर रहे हो, तो बेस्ट आप लोगों के लिए क्या लगाई जा रही है, क्लासें लगाई जा रही है, तो इन क्लासों को देखिए आप लोग, बताइए आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, यहाँ पे भी आपको क्या कर देना है, SMS कर देना है BSTC स्टूडेंट लिखकर, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।